गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विजय सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका भाग दो का पहला पाठ, माता का आंचल। इस पाठ के जो सारांश हैं उसके बारे में हम अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर में जो भी कठिनाई होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ के सारांश को मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा फिर से आपको बता देती हूँ। इसमें भोलानाथ नाम के एक बच्चे के माध्यम से माता और पिता के वात्सल्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भोलानाथ अपने पिता के साथ उठता था, बैठता था, अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता था, है ना। माँ भी उससे उतना ही प्यार करती थी। बच्चा अपने माता पिता के लाड से ही बड़ा हो रहा था। जो भोलानाथ रहता है वो अपने पिता के साथ ही सोता था और सुबह सुबह उठकर अपने पिताजी के साथ गंगा किनारे जाता था मछलियों को दाना डालने के लिए। वहाँ से आते वक्त रास्ते में जो पेड़ की जो डालियाँ होती हैं वो झुकी हुई रहती है, तो उन डालियों पर वह अपने पिताजी के साथ झूला झूलता था और फिर वो वापस आता था। घर आकर उसके पिताजी उसे बहुत प्यार से फूल के कटोरे में गोरस और भात खिलाते थे। माता का कहना था कि पिताजी ठीक से नहीं खिला रहे हैं, तो माँ उस बच्चे के लिए फिर से दही भात सान करके तोता, मैना, अलग अलग पक्षियों के नाम से कौर बना करके उस बच्चे को खिलाती थी। खाना खा लेने के बाद भोलानाथ को उसके पिताजी खेलने के लिए जाने के लिए कहते हैं, है ना। जब भोलानाथ को यह सुनाई देता है कि उसके पिताजी उसे खेलने के लिए दे रहे हैं, जाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो भोलानाथ दौड़ते भागते हुए निकलने लगता है। तभी जो माँ रहती है उसको पकड़ लेती है और उसके बालों में कड़वा तेल यानी सरसों का तेल लगाती है, उसके माथे पर, नाभि पर काला टीका लगाती है, उसकी चोटी बना करके उस चोटी पर फूल का एक लट्टू भी लटका देती है और पूरी तरह से कन्हैया बना देती है। तब वह अपने बेटे को खेलने के लिए जाने देती है। भोलानाथ जबरदस्ती उसकी माँ के इस तरह तैयार करने से रोता है और सिसकते हुए अपने पिता की गोद में चढ़ करके वो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर जाता है उसके जो साथी रहते हैं उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। अपने साथियों को देख करके भोलानाथ चुप हो जाता है, सिसकना भूल जाता है और उन बच्चों के साथ खेलने में पूरा व्यस्त हो जाता है। भोलानाथ अपने साथियों के साथ अलग अलग प्रकार के खेल खेलता है, जैसे मिठाइयों की दुकान लगाते हैं बच्चे मिलकर के, और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा दुकानदार बनता है और बाकी खरीदार बनते हैं। उस खेल को खेलने के बाद बच्चे घरौंदे वाला खेल खेलते हैं, फिर बारात निकालने वाला खेल खेलते हैं। इस तरह से बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। तभी उन बच्चों में से एक बैजू करके एक बच्चा रहता है जो थोड़ा सा शरारती रहता है, थोड़ा ढीठ प्रकार का रहता है। वो क्या करता है, उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को चिढ़ाने लगता है और तुकबंदी करता है। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था तो उन्होंने मिलकर के, सभी ने मिलकर के उस आदमी को चिढ़ाया। गुस्से से वो आदमी उन दोनों को डांटते हुए, उन्हें दौड़ाते हुए उनके पाठशाला पहुंच जाता है और सारी बातें मास्टर जी को कह देता है।
तब मास्टर जी चार लड़कों को भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए भेजते हैं और वहां से उन्हें पाठशाला लाया जाता है। पाठशाला में जो बैजू रहता है वो तो भाग जाता है, लेकिन भोलानाथ पकड़ा जाता है। भोलानाथ को मास्टर जी के द्वारा बहुत डांट डपट पड़ती है, बहुत उन्हें डांटा जाता है। तब जो भोलानाथ रहता है वो रोने लगता है। कहीं से भोलानाथ के पिताजी को ये सारी बातें पता चल जाती हैं और भोलानाथ के पिताजी जो रहते वो वहाँ आ जाते हैं और भोलानाथ को वहाँ से पुचकारते हुए ले जाते हैं। जब वह भोलानाथ को लेकर जा रहे होते हैं उसी समय लड़कों का झुंड उन्हें फिर से मिल जाता है और जो भोलानाथ रहता है फिर से रोना धोना भूल जाता है और फिर से अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है, चला जाता है। तभी सारे बच्चे मिलकर के एक टीले में जाते हैं और वहाँ पर पानी डालने लगते हैं चूहे के बिल में। चूहा तो नहीं निकलता है लेकिन उस बिल से सांप निकल आता है। सांप को देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं और दौड़ते भागते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। कोई लहूलुहान हो जाता है, कोई गिर जाता है। इस तरह से बच्चे भागते दौड़ते हुए सभी अपने अपने घरों की ओर भागते हैं। तभी जो भोलानाथ रहता है वो भी अपने घर की तरफ भागता है और भागते भागते वो सीधा अपनी माँ की गोद में जाकर छिप जाता है और आंखें नहीं खोलता और बिल्कुल डरा हुआ रहता है भोलानाथ। ये सारी चीज़ें देखकर जो उसकी माँ रहती है वो बहुत ही घबरा जाती है, रोने लगती है कि उसके बच्चे को ये क्या हो गया है। जो भोलानाथ के पिताजी रहते हैं भोलानाथ को इस तरह रोता बिलखता हुआ दौड़ता हुआ देखकर उसके पास आते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि वो उसे गोद में उठाए, लेकिन जो भोलानाथ रहता है वो अपनी माँ की गोद को नहीं छोड़ता है और माँ की गोद में बिल्कुल छुप जाता है। जो भोलानाथ रहता है वो अपने माँ के आंचल में ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ से नहीं हटता है। ये था इस पाठ का सारांश। अब हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माता की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे कि हमने पाठ को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि जब बच्चे टीले में पानी डालते हैं तो सभी बच्चे वहाँ से उस सांप को निकलता हुआ देखकर दौड़ते भागते हुए अपने घर की ओर भागते हैं, है ना। उसी समय जो भोलानाथ रहता है वो भी क्या करता है, गिरते पड़ते लहूलुहान होते हुए अपने घर की ओर भागता है और सीधे वो अपने माँ की गोद में जाकर छिप जाता है। भोलानाथ को दौड़ता हुआ आता देखकर उसके जो पिताजी रहते हैं वो चिल्लाते हुए भोलानाथ को पुकारते हैं, लेकिन भोलानाथ अपने पिता की कोई भी बात नहीं सुनता है और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँच जाता है। माँ भी उसे देखकर बहुत डर जाती है और रो पड़ती है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि जब बच्चा किसी मुसीबत में होता है तो अपनी माँ की गोद में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता होगा, है ना, अपने पिता की अपेक्षा। इसीलिए भोलानाथ भी अपने माँ के पास दौड़ते भागते हुए वो आ जाता है। माँ के आंचल में उसे किसी भी दुखों का, है ना, किसी भी प्रकार के उस बच्चे को कष्ट का एहसास नहीं होता होगा, इसलिए भी वह अपने माँ के पास मुसीबत के समय आ जाता है। वह भावनात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता होगा क्योंकि
एक बच्चे की अंदर की जो मन की जो भावनाएं होती हैं उसकी माँ से अधिक कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। अपने बच्चे की मन की जो भावना होती है एक माँ ही बहुत अच्छे से ही समझती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। माँ जैसी कोमलता, ममत्व या आत्मीयता, है ना, किसी दूसरे में या पिता में नहीं होती है, इसलिए भी बच्चा अपनी माँ के पास किसी भी विपदा के समय पहुँच जाता है, है ना। तो माँ से ही वो प्यार में प्राप्त होता है जो एक मुसीबत में मिलनी चाहिए, है ना। माँ से बच्चे का जो ममत्व का रिश्ता होता है वह चाहे अपने पिता के साथ कितना भी प्यार करता हो, अपने पिता के साथ कितना ही अधिक समय बिताता हो, लेकिन उसकी माँ से जो ममत्व या जो ममता मिलता है वो किसी और से उस बच्चे को नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए भी वह अपनी माँ की शरण में आता है। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भोलानाथ रहते हैं उनके सिसकना भूलने के कई कारण हो सकते हैं, है ना। जब हमने पढ़ा था कि पाठ में जब भोलानाथ को उनकी जो माँ रहती है वो ज़बरदस्ती पकड़कर उसके सिर में तेल लगाती है, है ना, और उनके बालों को चोटी गुद करके उसमें एक फूल का लट्टू भी लगा देती है, ठीक है, और उनके माथे पर और नाभि पर एक काला टीका लगा देती है, उन्हें कपड़े और टोपी पहनाकर पूरा भोलानाथ बना देती है, बम भोला बना देती है। तो जो भोलानाथ रहते हैं रोने लगते हैं और बाबूजी उन्हें प्यार से गोद में उठा लेते हैं। भोलानाथ सिसकते हुए रोते हुए अपने बाबूजी की गोद में ही चढ़ करके वो बाहर जाता है। जैसे ही भोलानाथ बाहर निकलता है तो जो बच्चे रहते हैं पहले से ही भोलानाथ का इंतज़ार करते रहते हैं, तो जो भोलानाथ रहता है उन बच्चों को देख करके रोना भूल जाता है, क्योंकि भोलानाथ को अपने मित्र मंडली के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ खेलने में उसे बहुत आनंद आता है, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये कि अगर भोलानाथ उन बच्चों के सामने इस तरह से रोता सिसकता रहेगा तो हो सकता है कि जो बच्चे रहेंगे वो भोलानाथ को खेलने के लिए ना बुलाएं, उसके साथ ना खेलें, इसलिए भी भोलानाथ रोना सिसकना भूल जाते हैं। ठीक है, वह अपने साथियों के साथ बहुत मस्ती करते हैं और पूरी तरह से उनके साथ खेलने में मग्न हो जाते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो यहाँ पर लिखिए, है ना। यहाँ पर जो पाठ में भोलानाथ और उसके जो मित्र रहते हैं जब खेलते रहते हैं या किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को या खेल के बीच में ही वो अलग अलग प्रकार की तुकबंदियाँ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न करता है वो ये कह रहे हैं कि आपने भी इसी प्रकार की तुकबंदी अपने बचपन में की होगी तो उसे आपको लिखना है, ठीक है। मतलब हर कोई अपने बचपन में बहुत सारे गेम खेलता है ना, हमने भी अपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले हैं और कई लोगों को हमने भी इसी तरह तुकबंदी करते हुए चिढ़ाया भी है, है ना। तो हमको वो लिखना है इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसी प्रकार की तुकबंदियाँ लिखोगे। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर भोलानाथ
के जो खेल और खेलने की जो सामग्री थी हमारे खेल और खेलने की सामग्री से बिल्कुल भी अलग है। जो भोलानाथ था वो और उसके जो साथी थे वो गांव में ही जो खेले जाने वाले खेल रहते हैं वो खेलते हैं और उसमें उन्होंने ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन है ना, पानी, धूल, पत्ते है ना, और दातुन की लकड़ी, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करके वो खेलते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों से खेलते हैं जो बहुत ही आकर्षक होती है। कुछ खिलौने तो बोलने वाले भी होते हैं जो खेलने में बच्चे बहुत ही आनंद महसूस करते हैं, ठीक है। जब से टेलीविज़न आया है तब से बच्चे टेलीविज़न के द्वारा भी अपना मनोरंजन कर लेते हैं। आजकल डिजिटल का ज़माना है तो लोग अपना ज़्यादातर मनोरंजन कंप्यूटर में गेम खेल करके भी करते हैं। भोलानाथ के ज़माने में जो गेम खेले जाते थे, जो खेल खेले जाते थे, उसके लिए जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी वो बहुत ही सस्ती थी और बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे जिस गेम को खेलते हैं है ना, प्लास्टिक के खिलौने आदि जो रहते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और हमें उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये यहाँ तक। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो हमारे मन को छू गए हैं, जैसे भोलानाथ का अपने पिताजी के दाढ़ी को सहलाना, और जो भोलानाथ के जो पिताजी रहते हैं वो अपनी गालों, वो अपनी मूछों के द्वारा भोलानाथ की गालों को सहलाते हैं, है ना। तो जो भोलानाथ रहता है वो झुंझला कर उनकी मूछों को नोचने लगता है। दूसरा ये कि माँ द्वारा भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर के अलग नामों के अलग अलग कौर बनाकर उसे भोजन कराना, ये भी एक ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को छू जाती हैं, है ना। बच्चों की खेल के बीच में पिताजी का आ जाना और भोलानाथ और उनके साथियों द्वारा उन्हें हंस करके भाग जाना, उनको देख करके हंस करके भाग जाना। अगला है हमारा, चूहे के बिल में पानी डालना और सांप का निकलना, ठीक है। और माता पिताजी का भोलानाथ के द्वारा जो चिंता व्यक्त करना, बारात निकालने का खेल खेलते हुए समधी का बकरे पर सवार होना मन को बहुत ही भाता है। ये कुछ घटनाएं हैं जो हमारे मन को छू जाती हैं और ज़्यादातर गांव देहात में ही इस तरह के खेल बच्चे अभी भी खेलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, इस उपन्यास अंश में 3 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, है ना। 3 के दशक की ग्राम्य संस्कृति मतलब गांव की जो संस्कृति होती है उसका चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से परिवर्तन दिखाई देता है, ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले के ग्रामीण संस्कृति के बारे में, लेकिन अभी ज़माना बिल्कुल बदल गया है। लोगों के जो विचार हैं, जो मन की जो भावनाएं हैं वो पूरी तरह से बदल गई हैं, ठीक है। तो 3 के दशक की जो ग्राम्य संस्कृति थी उसमें आपसी भाईचारा, सहयोग और आपसी प्रेम था, ठीक है। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से अत्यंत ही घुले मिले रहते थे। गांव में बचपन में जो खेल खेले जाते थे वैसी सभी बातों को वहां पर खेल के माध्यम से ही सिखाया जाता था, जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें, है ना। लोगों जो बच्चे रहते हैं उन्हें खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ें गांव में सिखा दी जाती थी।
जिससे बड़े होकर उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन आजकल की जो ग्राम्य संस्कृति है, जो परिवेश है, वो बिल्कुल भी बदल गया है। सादगी का जो स्थान था वो चकाचौंध और बनावटी ने ले लिया है, बनावटीपन ने ले लिया है ना। व्यवहारिक और बातचीत से में सादगी के स्थान पर चालाकी और धूर्तता ने ले ली है। सुख दुख में परिवार के जो सदस्य थे वो पहले एक साथ में ही रह करके एकत्र रहते थे, है ना, लेकिन अब जो है वो अपनत्व नहीं रहा है। पहले लोग क्या करते थे, परिवार के सारे सदस्य किसी भी फंक्शन में, कोई भी त्यौहार हो, सब एक साथ मिलकर के मनाते थे। लेकिन आजकल जो परिवेश है वो बिल्कुल भी इसका उल्टा हो गया। हर कोई अपने में मग्न रहता है, अपने में ही बिजी रहता है ना, और इसका स्थान स्वार्थ और धन ने भी ले लिया है। घरों में बच्चे अपने सगे संबंधियों की जगह पर टेलीविज़न और वीडियो खेल को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। ज़्यादातर बच्चे वीडियो गेम में ही अपना समय बिताने लगे हैं। परिवार की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से बदल गई है ना। अब है हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए, है ना। यहाँ पर माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है वो इस प्रकार से है कि भोलानाथ के पिता का सुबह सवेरे उठकर भोलानाथ को भी अपने साथ में नहला धुला कर उसको अपने साथ में गंगा किनारे ले जाना, ये भी एक वात्सल्य व्यक्त करता है ना। दूसरा है कि पिताजी द्वारा अपने कंधों पर बैठा करके भोलानाथ को अपने साथ लेकर जाना, ये भी एक पिता का वात्सल्य व्यक्त करता है। पिताजी द्वारा भोलानाथ को अपने हाथ से फूलों के कटोरे में खाना खिलाना तथा माँ के द्वारा तोता, मैना, कबूतर, अलग अलग पक्षियों के नाम से उसे कौर बना करके खिलाना, ये भी माता पिता का वात्सल्य ही प्रकट करता है। सांप से डरकर भोलानाथ को कांपते देखकर पिताजी का तेजी से उसकी ओर आना और माँ का जोर जोर से रोना, ये भी एक बच्चे के प्रति माता पिता का वात्सल्य ही है। ये था हमारा प्रश्न उत्तर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।